पांडा का बेहतरीन दिन चीन में बांस के जंगल में पंग नामी एक शरीफ पांडा अपने तीन शरारती बच्चों लंग, मी और बाओ के साथ रहता था। पंग को अपने छोटों के साथ वक्त गुजारने से ज्यादा कुछ पसंद नहीं था। एक धूप वाली सुबह पंग जल्दी उठा, अगले दिन के लिए परजोश था। उसने अपने फूले हुए जिस्म को फैलाया और अपने बच्चों को पुकारा, उठो और चमको बच्चों, आज का दिन एक बेहतरीन दिन होगा। लंग, मई और बाओ अपनी नींद भरी आंखों को रगड़ते हुए अपने आरामदा मानद से बाहर निकल आए। पंग उन्हें बांस के एक सरसब्ज बाग की तरफ ले गया, जहां उन्होंने नर्म टहनियों पर खाना खाया। नाश्ते के बाद पंग ने छिपछिपाने का खेल तजवीज किया। बच्चे खुशी से चीख रहे थे, बांस के डंडों के दरमियान छपने के लिए भाग रहे थे। पंग ने अपनी आंखें बंद की और चीखने से पहले दस्तक गिनती हुई, मेरे छोटे पांडो को ढूंढो। बच्चों ने कहकह लगाया और एक एक करके खुद को जाहिर किया। इसके बाद पंग ने अपने बच्चों को एक करीबी नदी में तैरना सिखाया। लंग, मई और बाओ छिड़क गए और खीले, उनके छोटे पंजे गुस्से से चल रहे थे। पंग ने उनकी बहादुरी पर फख्र करते हुए उन्हें खुश किया। जैसे ही सूरज ग्रूब होने लगा, पंग ने अपने बच्चों को फैमिली पकंग के लिए उकठा किया। वो एक पहाड़ी पर बैठकर जंगल का नजारा कर रहे थे, बीरियां चबा रहे थे और सितारों को जिंदगी में चमकते हुए देखते थे। जब वो रात बसर कर रहे थे, पंग ने अपने पंजों को अपने बच्चों के गर्द लपेट लिया। आज का दिन बहुत अच्छा था, क्योंकि मैंने उसे तुम तीनों के साथ गुजारा।